आसिला बीजेडीर द्वितीय पर्याय लोकसभा प्रार्थी तालिका दिन में नौ लोकसभा एवं 72 विधानसभा और एवं संध्या रे आउ 6 लोकसभा आसन पर प्रार्थी ना घोषणा करिछि विजु जनता दल। गत 2019 निर्वाचन में भुवनेश्वर लोकसभा आसन रु बीजेडी प्रार्थी होता अरूप पट्टनायक को एथर शंख दल देछि पूरी टिकेट। सेपरी पूरी रु लगातार बीजेडी रो प्रार्थी होई निर्वाचन जीति आसुथिबा पिनाकी मिश्र को एथर दल बाद देछि। पुरी रे बीजेपी रो राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र को सह लड़िबे पूर्वतन आईपीएस अरूप पट्टनायक। कंदोबाल लोकसभा आसन रु पुणी थरे बीजेडी प्रार्थी होइछंती अच्युत सामंत। गत 2019 तथा जदि देखिबा 2019 निर्वाचन रे कंदोबाल रु लड़ी विजयी होइथिले अच्युत सामंत आउ ढेंकानाल रु शंख चिन्ह रे लोकसभा निर्वाचन लड़िबे अविनाश सामल। सेपरी जगतसिंहपुर कथा जदि देखिबा जगतसिंहपुर रु राजश्री मल्लिक, जाजपुर रु शर्मिष्ठा सेठी को मिलिछि बीजेडी रो लोकसभा टिकेट। कटक लोकसभा आसन रु एथर नुआ मो आनिछि विजु जनता दल। 6 सांसद भर्तुहरी महता बीजेडी छाड़ा पर एथर कटक रु बीजेडी रो लोकसभा प्रार्थी होइछंती संतृप्त मिश्र। जय जगन्नाथ, समस्तंकु नमस्कार। लोकसभा प्रार्थी मानकर सेकंड लिस्ट घोषणा करी मु आपन मानकर आशीर्वाद कामना करूछी। पूरी श्री अरूप पट्टनायक, ढेंकनाल श्री अविनाश सामल, जगतसिंहपुर श्रीमती राजश्री मलिक, कंदमाल श्री अच्युतनंद सामंत, कटक श्री संतृप्त मिश्रा, जाजपुर श्रीमती शर्मिष्ठा सीजी, धन्यवाद, नमस्कार। सिलेक्ट करिसेंती आ मु एटा केबे मु निश्चय कृतकार्य हेबी এটা মোর গোটে ধারণা। বিজেপি আপনি দেখিবে সম্বিত পাত্র ক্লোজ মার্জিন 11,000 ভোটের পাখাপাখি হারিলে তো কেমিতি কোন তাকে কোন স্ট্র্যাটেজি রাখছেন? না না, সে হারিবা জিতিবা মু তো এটি 23,000 হারিছিলি কোটি ভুবনেশ্বরে। সে হারিবা জিতিবার বহুত কারণ থাকে প্রতিযোগী। তবে বিজেডির দ্বিতীয় পর্যায়ে লোকসভা প্রার্থী না সামনা কো আসি সারছি आम अर्गस चीफ रिपोर्टर दिव्यज्योति महांती आम सहित जोड़ी होती। दिव्य जे आहुरी जो द्वितीय पर्याय तालिका सामना को आसी बीजेडी विशेषकर लोकसभा प्रार्थी तालिका जो चर्चा आलोचना होता विशेषकर जो मुख्य जगह गुड़िक रही है आपड़ पूरी कथा कहतु कंधमाल कथा कहतु ताही सत हो जे तालिका सामना को आसी सारी। दिव्य देखो निवेदन भाव में अपराह रे 9 जन एमपी कैंडिडेट ना बीजेडी घोषणा करता जानते और बर्तमान संध्या रे आउ 6 जन ना घोषणा करते अर्थात ये तालिका 15 छुला 15 जन बर्तमान तालिका सामना को आसी सेकेंड लिस्ट जो 6 जन ना आसे 3 जन एमपी को रिपीट कराई जमीक आप कंधमाल एमपी थे जी अच्युत सामंत रिपीट कराई जगतसिंहपुर एमपी राजश्री मल्लिक को रिपीट कराई जाजपुर शर्मिष्ठा सेठी को रिपीट कराई सबुठू चर्चित कथा जे दलर हेवी हाउस नेता जी रही थे पिनाकी मिश्र ड्रप कर जगार भुवनेश्वर जी गत थर 2019 निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन लड़ी पराजित होते अरूप पट्टनायक वर्तमान पूरी लोकसभा को पठा जा दल भर्सा करती से निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन लड़े 24 पात्र को फाइट देवे तो यही जो अंक कथा है अविनाश सामल जी जड़े जनाशुना डाक्तर हिसाब से किसी दिन तले बीजेडी सामिल होते दल से भर्सा करती ढेकाना अविनाश सामल लड़े से देखिए कटक संतृप्त मिश्र जहाँ को नहीं गत किसी दिन हम चर्चा तो लगी रही कहुला सब संस्कृत बीजेडी जॉइन कले से सब कहला राज्यसभा हम पठा कि राज्यसभा घोषणा कराला जो ना आसी ना तो से समय गोटे छटचमट होता जे कहीं संस्कृत मिशागला कौन तक दायित्व देव दल बर्तमान जहाँ स्पष्टीकरण आसी कटक दायित्व देती कटक बीजेपी जे कैंडिडेट हे सहित लड़े करेंगे संतृप्त मिश्र। संतृप्त मिश्र जड़े कर्पोरेट वर्ल्ड रु आर्पोरेट रगत रु आर्पोरेट जगत में बहुत दिन धरी काम करते बर्तमान
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାଧିଛନ୍ତି କଟକର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବାଛିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସାମନ୍ତ ଏଇଭଳି ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଛଅ ଜଣ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଉ ଆସନ ହେଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ କଣ ଫାଇଟ୍ ହେବ ତା ପ୍ରତି ନଜର ରହିଛି, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗତଥର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ଏଥର ଅଙ୍କ କଣ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି ଯୋଉ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଭରସା କରିଛି ତା ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁରୀକୁ କାହିଁ ଦିଆଗଲା, ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ ମିଶ୍ର ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ, ତାଙ୍କୁ କଟକ କାହିଁ ଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି, ଇକ୍ୱେସନ କଣ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନିହାତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ପୁରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଏଥର ନୂଆ ମାନେ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପୂର୍ବଥର ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଦିବ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଛି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଇଏ 15ରେ ଛୁଇଁଛି ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।